सो हेलो टू ऑल माई लवली किड्स, वेलकम अगेन इन मेघा मैम्स चैनल। एंड आप देख सकते हो बच्चों कि आज एक थोड़ा सा अलग हटके वीडियो है, वेयर आई हैव रिटन ट्रिक टू लर्न एंड द टॉपिक इज हाउ टू फाइंड वैलेंसी। आप लोगों का प्यार देख के और केमिस्ट्री को आप इतना लव दे रहे हो, बहुत सारा मतलब लाइक आई कैन सी कि आप लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हो। थैंक यू सो मच माई किड्स। और अगर मुझसे इन बिटवीन कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके जो भी कमेंट्स हैं उनको रीड करूँ और सजेशंस को फॉलो करूँ। सो एज़ पर द वीडियो वी हैव हाउ टू फाइंड वैलेंसी। वैलेंसी के ऊपर मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, सब कुछ आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो एज़ यू कैन सी हेयर आई हैव रिटन एलिमेंट्स, देन एटॉमिक नंबर, देन ई सी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एंड देन आई हैव रिटन वैलेंसी। ओके, तो आज मैं आपको वैलेंसी का कोई लॉजिकल वे नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि हम कैसे ट्रिक फाइंड आउट कर सकते हैं वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, दीज आर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कंटिन्यू टिल 20, क्योंकि मैंने फर्स्ट 20 लिए हैं। और एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो भी आने वाली है, टेंशन मत लीजिए, ये सिर्फ ट्रिक है। नाउ देखिए, यहाँ पर मैंने ईसी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने सारे ही एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। एज यू कैन सी हाइड्रोजन इज 1, देन 2, मतलब एटॉमिक नंबर को देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है कि ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है ना, जो मेन टारगेट है, वो है कि हम एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी शॉर्टकट में कैसे निकाले, ये वीडियो है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 की, तो 1 के लिए वैलेंसी आई हैव रिटन 1, तो रूल क्या है वो देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है। देखिए, फॉर फाइंडिंग वैलेंसी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हैं, अगर लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1, 2, 3, 4 हैं, तो जो वैलेंसी है वो सेम हो जाएगी, द वैलेंसी विल बिकम सेम एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 हैं, 5, 6, 7, 8 हैं, तो हमें वैलेंसी निकालने के लिए 8 से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 8 से माइनस। तो देखिए लाइव मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बोला था, अगर लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4 हैं, 1, 2, 3, 4, तो वैलेंसी एज इट इज वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो लिखा हुआ है। और अगर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 है, तो आपको 8 से माइनस कर देना है। तो देखिए 1 है तो वैलेंसी विल बिकम 1। ठीक है, 2 है, देखिए ये 2 है, तो यहां पर मैंने लिखा है 0। अब आप कहोगे मैम अभी आपने इमीडिएटली बताया कि 1, 2, 3, 4 होने पर तो आप सेम लिखना चाहते हो, तो फिर आपने 2 पे 0 क्यों लिख दी? क्योंकि इन एनी लाइक इन एनी कंडीशन और एनी रूल देयर विल बी सम एक्सेप्शंस। हर जगह केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हैं, कुछ रूल्स हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते। तो जो भी हाईलाइटेड पार्ट है, देखिए ये 2 हो गया, ये 2, 8 हो गया, ये 2, 8, 8 हो गया, ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है ना, दीज आर नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, दीज आर नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस के लिए जो वैलेंसी है वो हमेशा 0 होगी, फिर चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुछ भी हो। यू नीड टू लर्न दिस। 2 के लिए 0, यहाँ देखिए मैंने ऑटोमेटिकली 0 लिख दिया है, और यहाँ पर भी मैंने ऑटोमेटिकली 0 लिख दिया है। तो नोबल गैसेस के लिए वैलेंसी विल ऑलवेज 0, दिस यू नीड टू रिमेंबर। चलिए अब अपना रूल फिर से फॉलो करते हैं। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में 2 है, 2 है ना, तो 2 है तो 2 के लिए एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर देखिए 1 है, सॉरी ये वाला छूट गया था, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी है। ओके, तो ये देखिए 1 मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ 3 है तो 3 वैलेंसी एज इट इज हो जाएगी, और यहाँ 4 है तो 4 के लिए 4 एज इट इज हो जाएगी। मतलब 1, 2, 3, 4 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में हैं तो आप क्या करोगे, एज इट इज लिख दोगे वैलेंसी। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट 5।
फाइव होते ही आपने एट को फाइव से माइनस किया, इट विल बिकम थ्री. सो यू कैन सी नाउ कि जो नाइट्रोजन की वैलेंसी निकल कर आ रही है वो थ्री निकल कर आ रही है. अब सिक्स होते ही आपने एट को सिक्स से माइनस किया, इट विल बिकम टू. तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है टू. नाउ सेवन होते ही आपने एट में से सेवन माइनस किया, इट विल बिकम वन. सो यहाँ पर फ्लोरीन की जो वैलेंसी निकलती आ रही है वो आ रही है वन. सेम रूल इज एप्लीकेबल. देखिए एक दो तीन चार हैं, यहाँ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आपको ये चीज देखनी है. अगर एक दो तीन चार हैं तो आप एज इट इज लिख दीजिए वैलेंसी, वन टू थ्री फोर. ठीक है, और अब आइए फाइव, एट माइनस फाइव अगेन थ्री, सिक्स, एट माइनस सिक्स इज टू, एंड सेवन, एट माइनस सेवन इज वन. अब देखिए यहाँ थ्री किसकी निकल कर आई है, फॉस्फोरस की थ्री है. देन ये टू किसकी निकल कर आई है, टू निकल कर आई है आपकी सल्फर की. और ये वन किसकी निकल कर आई है आपकी, क्लोरीन की. फाइन, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिर से इट इज़ वन, इट इज़ टू, वन एंड टू. तो एक दो तीन चार के लिए क्या बताया था मेघा मैम ने, कि सेम एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए. और पाँच छः सात आठ के लिए क्या बताया था, कि एट से माइनस कर दीजिए. तो यहाँ लास्ट में वन एंड टू है ना, तो एज इट इज़ वन एंड टू लिख दीजिए. एंड इट इज़ फॉर पोटेशियम वन, एंड इट इज़ फॉर कैल्शियम टू. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी क्विक वीडियो फॉर फाइंडिंग वैलेंसी, इट इज़ ट्रिक वीडियो. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स मैं बहुत जल्दी ट्राईपॉड लेने वाली हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है. तो अगर थोड़ी वाइब्रेशन है ना मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ बेयर विद मी. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए. मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आपके बहुत बहुत अच्छे टॉपिक्स क्लियर करवा दूँगी. थैंक यू.